हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया है और इस तरह का सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। इजी है, खरीदने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। अगर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आपको बनाने हैं तो स्कूल वगैरह का भी सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने डिज़ाइन किया है, थोड़ा सा इसमें कलर वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। कलर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर ये कलर इसको प्रोवाइड करके थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि डार्क में दिखे। अब ये चीजें सही हो गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर, ये मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म के पहले दो क्वेरीज भी बनाई हैं और उसके भी पहले दो टेबल्स बनाए हैं, एक्चुअली तीन टेबल बने हुए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये देखिए यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। अब देखिए ये किसी इंसान का आधार कार्ड नंबर है, उनका नाम गोविंद है और ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? बिहार के। तो यहाँ से आप स्टेट चूज कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बिहार के ही सिटीज के नाम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर मैं यहां से इसको चेंज कर देता हूँ, एमपी कर देता हूँ, फिर देखिए इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया, अब यहाँ पे आता हूँ तो अब देखिए केवल एमपी के ही सिटीज के नाम आ रहे हैं इसमें। देखिए मैहर, इटारसी, जबलपुर, ये सब एमपी के ही सिटीज के नाम है। फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं यूपी कर देते हैं और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो यूपी करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ यूपी के ही सिटीज के नाम आएंगे। गोरखपुर, देवरिया, दुगो दिया है खाली। देखिए ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिटेल वीडियो और टाइम थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, नहीं तो बना देता मैं इस पर। चलिए मैं जल्दी इस पर डिटेल वीडियो भी लेके आता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टेक्निक्स आपको सीखने की ज़रूरत भी होगी, तो जल्दी इस पर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। ओके ओके।